एज ए हॉरर लवर, हम सभी को किसी पुरानी हवेली की दास्तान को सुनना, किसी हिस्टोरिकल रिमेन्स के बारे में जानना या फिर किसी अबैंडन्ड लोकेशन की सच्ची कहानी को पता लगाने में काफी इंटरेस्ट होता है। वेल देन, आज की वीडियो आप सभी हॉरर फैंस के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम ओहायो के विच टावर के बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं, जिसे फ्रैंकेनस्टाइन्स टावर के नाम से भी जाना जाता है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां मैं शॉर्ट हॉरर स्टोरी की रील्स अक्सर पोस्ट करने वाला हूँ, जो कि काफी फनी और इंटरेस्टिंग होती है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। ओहायो का विच टावर, जो कि डेटन फॉरेस्ट के बीच छुपा है, इसे लोग द लुकआउट टावर भी बोलते हैं, और इस टावर के स्ट्रक्चर किसी कासल से कम नहीं है। साल दर साल इसे अलग अलग अर्बन लेजेंड्स के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। इनमें से एक लेजेंड की माने तो ये टावर सिविल वॉर के समय में बना था, और एक औरत ने इस टावर के ऊपर चढ़कर वहां से जंप करके सुसाइड कर लिया था, जब उसने अपने हस्बैंड की वॉर में मारे जाने की खबर सुनी। उस दिन से यह टावर कर्स्ड हो गया। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी को हम सच नहीं मान सकते, क्योंकि ये टावर 1940 के टाइम बना था और सिविल वॉर तो उससे काफी पहले हुआ था। दूसरी स्टोरी के मुताबिक, टीनेजर्स का एक ग्रुप एक स्टॉर्मी नाइट में इस टावर में शेल्टर लेने के लिए रुका था, और आसमान से बिजली गिरने से उन सब की डेथ हो गई थी। उनमें से दो लोग सिवियरली बर्न होते हुए भी जिंदा थे, और वो पूरी रात हेल्प के लिए चिल्लाते रहे, बट सिंस जंगलों के बीच से इनकी आवाज सुन पाना मुश्किल था, इसलिए इनकी मदद करने कोई नहीं आ पाया, और उसी दिन से ये टावर कर्स्ड हो गया। अब इस स्टोरी के रियल होने की भी कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास इसके जैसे ही एक तीसरी स्टोरी भी है, जो कि इस स्टोरी से काफी मिलती जुलती है, और लोकल न्यूज़पेपर में भी इसका जिक्र किया गया था। तो तीसरी कहानी सन 1967 की पेगी हार्मिसन और उसके बॉयफ्रेंड रोनल्ड की है, जो कि एक तेज तूफान से बचने के लिए इस टावर में शरण लिए थे। वो दोनों शाम के 7:30 बजे के लगभग इस टावर में एंटर किए थे, लेकिन अगले ही दिन उन दोनों की लाश इस टावर से बरामद हुई। रिपोर्ट्स वगैरह की माने तो उन दोनों की मौत लाइटनिंग से हुई थी, जहां रोनल्ड का फेस और चेस्ट लाइटनिंग से जल गया था, और पेगी की डेड बॉडी भी टावर के 11th स्टेप पर सेम हालत में मिली थी। इस घटना को लोगों ने पहले से चली आ रही स्टोरीज के साथ कनेक्ट किया, और ये स्टोरी भी इस टावर के हॉन्टेड इंसिडेंट्स का एक हिस्सा बन गया। इस इंसिडेंट के बाद ही टावर को हमेशा हमेशा के लिए बंद भी कर दिया गया था। टावर के बंद होते ही तरह तरह की बातें फैलने लग गई, लाइक जो भी उस टावर के अंदर जाता है उसे वहां उस लड़की का जला हुआ चेहरा दिखाई देता है, और कितनी ही कोशिशों के बाद भी आज तक उन सीढ़ियों से उस लड़की का खून साफ नहीं हो पाया है। एक समर दो घोस्ट चेज स्पेक्टर इंस्पेक्टर्स ने इस जगह को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। इन दोनों ने टावर के बेसमेंट में जाकर घोस्ट मीटर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से पेगी से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, और ये सारा प्रोसेस वीडियो टेप में रिकॉर्ड किया। पहले तो उन्हें यहाँ कुछ भी फील नहीं हुआ, बट ऑल ऑफ अ सडन उनका रिकॉर्डर गिरकर टूट गया, जिसके बाद सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स एक साथ एक्टिव हो गए। उन्हें टावर के ऊपर से कुछ आवाजें आने लगी, एज इफ वहां कोई हंस रहा हो। ऊपर जाने पे उन्हें वहां 11th स्टेप पर फ्रेश ब्लड पड़ा हुआ देखा। उनमें से एक को टावर के मेन गेट पे कोई दौड़ता हुआ देखा, और उसके पीछे जाने पर वो लोग एक रूम में पहुंचे, जहां एक कॉर्नर में कोई जला हुआ इंसान वॉल की तरफ फेस करके अंधेरे में खड़ा था। ये देखकर वो घोस्ट चेजर अपनी साथी की तरफ भागा, और वो लोग जल्दी से यहाँ से निकल गए। अब एज एक्सपेक्टेड वो अपना रिकॉर्डर उठा नहीं पाए, एंड हेंस वहाँ जो भी हुआ उसे प्रूफ कर पाना उनके लिए नामुमकिन था। येट आज भी वो लोग इस बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करते, और इसे अपने करियर का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बताते हैं। स्पेक्टर इंस्पेक्टर्स के इन बयानों के बाद इस टावर से जुड़ी कई और अजीब गरीब किस्से सामने आने लगे, जो कि पहले की कहानियों से ज्यादा डरावने थे। ऐसा कहा जाने लगा कि टावर के टॉप फ्लोर पर एक पेंटागनल डिजाइन बना है, जो कि इनिशियली यहाँ नहीं था। दरअसल इस टावर को 1940 में एज अ लुकआउट टावर बनाया गया था, क्योंकि इस पे चढ़कर फॉरेस्ट से बाहर 15 मील तक देखा जा सकता था, और ओरिजिनली इसके टॉप मोस्ट फ्लोर पे कोई पेंटागनल डिजाइन नहीं था। अब इस बात की भी कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इस बात से जो किस्सा निकल कर सामने आया, वो इस टावर को विच टावर के रूप में पोर्ट्रे करने लगा। 1950s के आसपास ओहायो में ईस्ट से कुछ नोमैड्स आए थे, और ये लोग अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेकर आए थे। समय के साथ ये नोमैड्स ओहायो में दिखना बंद हो गए, और लोगों ने यह मान लिया कि वो लोग यहाँ से आगे बढ़ गए हैं या कहीं और चले गए हैं। लेकिन कुछ लोकल्स ने यह नोटिस किया कि इस नोमैडिक ग्रुप ने हर रात को उस टावर में शेल्टर लेना स्टार्ट कर दिया था,
वो लोग दिन में कहीं नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन रात को वो लोग उसी टावर में मिलते थे। इनकी डरावनी अपीयरेंस की वजह से लोग इनके पास नहीं जाना चाहते थे, और ये लोग खुद भी लोकल लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। थोड़े और समय के बाद लोकल्स को ये रियलाइज हुआ कि जिन लोगों को उन्होंने नोमैड समझ लिया था वो दरअसल में एक कल्ट था, और ये कल्ट इस टावर को अपना शेल्टर और प्रेयर प्लेस बना चुके थे। लोकल्स में ऐसा बिलीफ हो गया कि ये लोग किसी तरह की विचक्राफ्ट करते हैं, जहां वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश में रहते हैं। ये शक तब यकीन में बदलने लगा जब लोकल लोगों को पास ही की एक सेमेट्री या कब्रिस्तान के कुछ ग्रेव्स खोदे हुए मिले, और उनमें से एक एक करके डेड बॉडीज गायब होने लगी थी। इसके अलावा लोकल्स को टावर से कुछ डिस्टेंस पर ही ह्यूमन ऑर्गन्स पड़े हुए भी मिले थे। लोग अब ये मानने लगे थे कि इसी कल्ट ने ही टावर के टॉप फ्लोर पर उस पेंटागोनल डिजाइन को बनाया है जो कि डेविल स्टार को सिंबलाइज करता है। ये लोग डेविल वर्शिपर्स थे, और ये डिजाइन एक रिचुअल का पार्ट था जिसमें ये लोग डेड बॉडीज को या फिर ह्यूमन ऑर्गन्स मोस्टली हेड को रखकर डेविल को वर्शिप किया करते थे, एंड देन इस सर को एज सैक्रिफाइस पेश किया करते थे। इन्हीं कहानियों की वजह से टावर को विच टावर या फिर फ्रैंकेंस्टाइन टावर भी कहा जाने लगा। करंटली तो इस टावर की मेन एंट्रेंस को सीमेंट से सील कर दिया गया है, और इसकी तीन विंडोज पर भी आयरन लगा दिया गया है ताकि कोई चढ़कर भी इसमें एंटर ना कर पाए, लेकिन आज भी लोग इसे एक्सप्लोर करने की चाह में इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कई लोकल लड़के तो टावर की दीवार को क्लाइंब करके ऊपर तक जा चुके हैं, और उनमें से कई ने यह बताया है कि सच में टावर की छत पर एक होल है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि इस टावर पे कई बार बिजली गिरी है। कई लोगों ने इस पेंटागनल डिजाइन को भी कंफर्म किया है, और इसे देखने के बाद अपने लाइफ में बुरे इंसिडेंट्स के होने जैसी बातें कही हैं। इंटरनेट का दौर आ जाने के बाद और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी से कई एक्सप्लोरर्स ने टावर की वो इमेजेस दिखाई है जो इससे जुड़े किस्सों को फिर से जिंदा कर देती हैं। YouTube पर ही आपको ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें लोगों ने टावर के टॉप का ड्रोन शॉट लिया है, और उनमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि छत पे एक बड़ा होल है, और साथ ही छत की दीवारों पर कुछ ह्यूमन ड्राइंग्स हैं जो शायद उन लोकल लड़कों ने बनाए होंगे जो इसकी वॉल क्लाइंब करके टावर पे चढ़ने की हिम्मत रखते थे। अब इस टावर पर बिजली गिरने तक की बात को रियल मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी बाकी बातें चाहे कितनी भी थ्रिलिंग क्यों ना हो, सच तो यह है कि उनमें से एक का भी कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब उनमें से मोस्ट ऑफ द बातें या फिर सारी भी बातें झूठी हैं। अपने लेजेंड की वजह से यह टावर एक एक्सप्लोरर स्पॉट बन गया है, और इन किस्सों और कहानियों की वजह से लोगों ने टावर के अंदर जाना भी छोड़ ही दिया। जहां तक बात रही पुलिस की, तो उन्होंने इसे सिर्फ इस रीजन से क्लोज किया था कि यहां पहले भी कई बार बिजली गिर चुकी थी, और पेगी के केस के बाद ये बात लोकल्स की सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो गई। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस टावर के हॉन्टेड लेजेंड को इस तरह रियल इंसिडेंट से जोड़कर पेश किया जाता रहा है जिससे सुनने वालों को इस प्लेस की स्टोरी सच लगने लगे, जबकि ज्यादातर या फिर सारी ही कहानियां मनगढ़ंत है। ध्यान रहे कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और आपकी ओपिनियन मुझसे अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नाउ इट्स टाइम टू फीचर सम नोटिफिकेशन स्क्वाड कमेंट्स फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो व्हिच वर एज फॉलोज। तो बस इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।